बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो इवेंट है ये हमने यहाँ पे एक एक्चुअली सेटअप किया है एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी एंड एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं पेशेंट्स को, जो कि आज नीड ऑफ द डे है। बिकॉज मैं आज मोस्टली देखती हूँ लोगों का स्किन जो है काफ़ी डैमेज हुआ हो गया है, क्योंकि एक तो हमारे मुझे लगता है मैक्सिमम 90% लोग जो हैं वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते। सो वो अनप्रोटेक्टेड स्किन जो होती है वो काफ़ी डैमेज हो जाती है, उसमें जैसे पिगमेंटेशन, मलाजमा, फ्रेकल्स, सन स्पॉट्स और फाइन लाइंस, रिंकल्स और कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो उसका शिकार बनते हैं। तो काफ़ी हद तक वो जो पेशेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोग जो है वो बहुत ही फेयरनेस क्रीम्स, वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हैवीली लोडेड होती हैं हैवी मेटल्स के साथ और स्टीरॉइड्स के साथ, जिसका जो है जो बहुत ही डैमेजिंग होता है स्किन के लिए। और मुझे लगता है इसलिए नीड ऑफ द आर ये है कि कहीं ये लोग काफ़ी अवेयर भी हो रहे हैं, एजुकेशन भी काफ़ी है लोगों के पास, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा डर भी है और जानना भी चाहते हैं, एम्बिग्यूटी भी है लोगों को कि जाने की एस्थेटिक्स है क्या। तो इस वजह से हमने ये यहाँ पर सेटअप किया है कि ताकि लोग आएँ और अपनी जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन उनको मिल जाए। देखिए यूजुअली जो आपका मतलब ये है कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो यूजुअली लोग जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो दैट इज़ फॉर कंसल्टेशन के लिए, और जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनको प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन एस्थेटिक क्लिनिक जो होता है, इसमें जो एस्थेटिक जो ब्रांच है, इसमें ये मुझे लगता है एक स्टेप अहेड है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं जो मशीन्स के थ्रू किए जाते हैं, ताकि पेशेंट को एक इम्प्रूव्ड और अच्छी लॉन्ग लास्टिंग जो है इफ़ेक्ट उसका रिजल्ट मिलता है देखने को। तो इसका यही है कि वो इसमें काफ़ी डिफरेंट प्रोसीजर्स हम जो यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें काफ़ी मशीन्स के जैसे एंटी एजिंग है या पिगमेंटेशन, मलाजमा, एक्ने, एक्ने स्कार्स जो है, फाइन लाइन, रिंकल्स, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं और काफ़ी एडवांसमेंट हो रही है इस फील्ड में। जैसे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा आज हो रहा है, आज इतने केमिकल्स, पोल्यूशन, स्ट्रेसफुल लाइफ है, और बहुत सारे जेनेटिकली भी होता है कि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, टीनेजर सफ़र कर रहे हैं एलोपेशिया, हेयर लॉस से। और जिसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हमारे पास डायोड हेयर लेज़र हेयर रिडक्शन, सॉरी, इसके लिए जो हम ये है एलोपेशिया वगैरह होता है, इसके लिए हम PRP जैसे हम यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही इन है आज। PRP के ज़रिए हम बहुत ही एक ग्रोथ फैक्टर्स, पेशेंट का अपना एक ब्लड लिया जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है उसको मिला के बाकी कॉकटेल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, चाहे उनके बालों में चाहे उनके स्किन में, वो दिया जाता है और उनको बहुत ही फ़ायदा इससे होता है और बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। कुछ सेशंस में वो बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने को उनको मिलता है। जी जी, लोग यूज़ करते हैं जी, क्या उन्हें वो यूज़ करना चाहिए या मैंने जी जी मैंने पहले भी यही बात बोली कि ये मैंने बहुत ही यहाँ पे देखा कि लोग जो हैं वो बहुत ही फेयरनेस वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हैवीली जिनमें हैवी मेटल्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, जिनका बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट, इतना ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट होता है, स्किन थिनिंग हो जाती है, स्किन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, इवन कैंसरस की तरफ वो लोग चले जाते हैं, उसका साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है। तो लोगों को बहुत ही अवेयरनेस की ज़रूरत भी है। आम मैं कहती हूँ कि 90% लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से। तो ये जो इसमें इस फील्ड में बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करके और पेशेंट्स को बहुत ही फायदेमंद होती है, बहुत ही फ़ायदा मिलता है उन चीज़ों से। हमारा ये नहीं है कि हम कॉस्मेटिक्स यहाँ मतलब प्रमोट करते, नहीं, हम जो पेशेंट का बेसिक लुक है उसको नेचुरल जो लुक है अपना, जो जैसे वो मतलब देखना चाहते हैं खुद को वैसा उनका जो नेचुरल, ये नहीं है कि आपका कोई एक बेसिक टोन जिसका है उसको उसी में रह के एक अच्छा इम्प्रूव्ड और एक अच्छा हाइड्रेटेड लुक दिया जाता है, ना कि उसको वाइटनिंग किया जाता है। जैसे हम समझते हैं कि अच्छा लगना सिर्फ वाइटनिंग, नहीं, वाइटनिंग हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि नेचुरल लुक, एक अच्छा हेल्दी स्किन दिया जाए लोगों को, और ना कि ये एक वाइटनिंग जो लोगों को, वो भी होता है, वो भी एक ट्रीटमेंट है, लेकिन एक प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ कंसल्टेशन लेना पड़ता है बहुत पेशेंट को और डॉक्टर्स को, एक पेशेंट्स के साथ काम करना पड़ता है, दोनों को अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा के, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका टोन भी वो जो है वो इम्प्रूव किया जाता है। Thank you. इंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए,
अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ, तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम, जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जी आएं और एडमिशन कराएं। 2023 से 2024, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टी के कॉलेज लोयापुरा श्रीनगर।